हेलो भाइयों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। मैं तिवारी गाड़ी एक और की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हमारे सामने देख सकते हैं हमारी गाड़ी रहने वाली है ब्रेजा। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पाँच, छः, सात ब्रेजा यहां पे टोटल आपको देखने को मिलेगी। गिनवा देता हूं आपको मैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। वहाँ तक यहाँ पे लाइन से ब्रेजा का भरमार लगा हुआ है। चेक कर लो भाइयों, जूम करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। वहाँ तक ब्रेजा का मॉडिफिकेशन आज चल रहा है तिवारी का डेकोर पे। कम से कम 10-12 ब्रेजा टोटल रहने वाली है। बाकी जो थी हमारी जा चुकी है। अभी करंटली यहाँ पे 7 गाड़ियों में बेस टू टॉप वाला काम चल रहा है। सब में अच्छी खासी मॉडिफिकेशन है, इस गाड़ी में भी, उस गाड़ी में भी, सब में अच्छी खासी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। बाकी ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या कुछ अपग्रेड रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर ले फ्रंट में, तो देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइट के अंदर ही हमने यहाँ पे LED इंस्टॉल करी है। अभी डे हो रहा हमारा, इसलिए आपको रिस्पांस चेकआउट नहीं करा सकता। बाकी इस गाड़ी पे आपने देखा होगा हल्का फुल्का रिस्पांस जो आपको दिख रहा है। बाकी नाइट रिस्पांस जो है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी फॉग लाइट लगाई गई है और उसके बाद यहाँ पे हमारी गार्निश भी इंस्टॉल करी गई है। ठीक है भाई, रेंज रोवर वेंट जो होता है हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। व्हील आर्क लगा दिया गया है जो कि प्रॉपर मारुति जेन्युइन रहता है। देख सकते हैं माउंटेन लोगो भी आपको देखने को मिल रहा है। साइड फिटिंग यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है, देख सकते हैं ये भी मारुति जेन्युइन है। और इन सब पे आपको टोटल 95% ऑफ देखने को मिल रहा है। जो भी हमारी मारुति जेन्युइन एसेसरीज है सब पे आपको 95% ऑफ देखने को मिल जाएगा। लोअर गार्निश भी हमारी यहाँ पे मारुति जेन्युइन है। अपना डोर वाइजर भी मारुति जेन्युइन है। चेक कर लो इसकी क्रोम वगैरह की फिनिशिंग, देख लो प्रॉपर रहने वाली है। और उसके बाद हमारा रूफ रेल जो है पेस्टिंग वाला लगाया गया। ये बाकी हमारा पेस्टिंग करके लगाया गया, देख लो इसकी फिटमेंट काफ़ी अच्छी, गाड़ी हिल जाएगी। बट हमारा ये देख लो भाई, गाड़ी हिल रही है बट रूफ रेल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी फिटिंग जो है करी गई है। बाकी भाई बैक प्रोफाइल से बात कर ले, तो बैक प्रोफाइल में खाली हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाया गया है जिसमें आपको पार्किंग, ब्रेक, इंडिकेटर तीनों फीचर देखने को मिल जाती है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया है। तो बेसिकली बाहर से तो यही कुछ किया गया था। एक बार चलते हैं इंटीरियर में, चेकआउट कराते हैं लुक क्या रहने वाली है गाड़ी की। बात कर ले इंटीरियर की भाइयों, तो इंटीरियर में सबसे पहले हर बार की तरह यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग चेंज किया गया है जो कि हमारा ZXI वाला रहने वाला है, फुल ब्लैक कलर का है। और साथ में इसमें हमने करा है पूरा ब्लैक और ब्राउन कलर में स्टीयरिंग रैप जो कि मून डिज़ाइन कहते हैं, जिसे जिसकी फिटमेंट कितनी अच्छी आती है देखो भाई। साथ में परफेक्शन भी काफ़ी अच्छी है और उसके बाद स्टिचिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया तरीके से करी गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा भी यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा कट वगैरह नहीं है, ना एक्स्ट्रा कपड़ा भार है, प्रॉपर यहाँ पे बढ़िया तरीके से यहाँ पे सिला गया है। कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसकी कॉस्ट रहने वाली है स्टीयरिंग की विदाउट रैप 2000 रुपये बेस टू टॉप कराने पर। और जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ZXI प्लस का चाहिए तो वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में, बट आपका बिलिंग जो है 1 लाख से प्लस होनी चाहिए तब आपको ये जो है ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट लगाई गई है, चेक कर लीजिए। छोटा सा पीस यहाँ पे पूरा फिट कर दिया गया है। साथ में यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं पूरे डैशबोर्ड को जो है यहाँ पे कवर किया गया है। उसके साथ साथ डोर्स पे भी देख सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग जो करी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फिटमेंट कितनी अच्छी तरीके से करी गई है, बिल्कुल अंदर की तरफ फिट है। हाथ वगैरह में भी आपको बिल्कुल भी अड़ने को देखने को नहीं मिलेगा मैटिंग में। उसके बाद देख सकते हैं भाइयों पूरा डोर पे हमने यहाँ पे सॉफ्ट टच कर दिया है, चेक कर सकते हैं जिसकी फिटिंग कितनी प्रॉपर तरीके से रहने वाली है। डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं, सॉफ्टनेस भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। देख सकते हैं स्टिचिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद बाकी किसी भाई को अदर डिज़ाइंस चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी फिटिंग वगैरह देख लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करी गई है। हल्की सी भी यहाँ पे रिंकल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, काफ़ी अच्छी इसकी फिटमेंट वगैरह आपको देखने को मिल रही है। साथ में बात कर ले इसमें और क्या कुछ अपग्रेड है, तो देख सकते हैं पूरा टॉप मॉडल वाला यहाँ पे इंटीरियर किट लगाया गया है जो कि हमारे यहाँ पे वुडन में रहने वाला है। चेक कर लीजिए भाइयों, यहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरा यहाँ पे रिप्लेस पीस रहने वाला है। ये देखिए ये भी पूरा रिप्लेस करके लगाया है और ये पूरा पार्ट जो है रिप्लेसमेंट में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसके अंदर हमने देख सकते हैं डब्बा आता है यहाँ पे, उसको हटा के यहाँ पे डैप्स का हमने स्टीरियो लगाया है जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सारी चीज़ें वायरलेस देखने को मिलेगी। और साथ में इसका टच रिस्पॉन्स देखो, ये डैप्स कंपनी का रहने वाला है, काफ़ी फास्ट इसकी वर्किंग रहती है। ठीक है भाई, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी स्मूथ है, विदाउट लैगिंग वर्क करता है आपका। फ्रेम देख सकते हैं पूरा ग्लॉसी फ्रेम रहने वाला है जिसकी फिटिंग देख लीजिए, पूरी फिटिंग के साथ ही लगाई गई है। उसके साथ बात कर ले इसमें और क्या कुछ अपग्रेड किया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं 500 रुपये की कॉस्टिंग में आपको यहाँ पे इनर हैंडल भी इंस्टॉल कर दिया गया है, चारों डोर्स के लिए रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे किसी भाई को वाटरफॉल मिरर करवाना है तो उसका स्विच जो है यहाँ पे लग जाता है, आप वो भी यहाँ पे करवा सकते हैं। अब बात करें थोड़ा सा यहाँ पे क्या कुछ और अपग्रेड है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रे वाले मैट्स डाले जिसकी फिटिंग देखो भाई, प्रॉपर फिटिंग आती है। और उसके साथ साथ ये देख सकते हैं पेडल्स वगैरह में भी आपका जो है बिल्कुल भी नहीं अड़ेगा, बिल्कुल इसकी कटिंग होके आती है, देख लो भाई प्रॉपर कटिंग के साथ ही आपका यहाँ पे लगा के दिया गया है। और बात कर ले तो ये देख सकते हैं यहाँ पे चेकमेट वाली फ्लोरिंग करी गई है जिसकी फिटिंग देख लो कितनी अच्छी रहने वाली है, प्रॉपर H2H फिट है। और चेकमेट का साइन भी देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, फुल्ली वाटरप्रूफ रहता है, इजी टू क्लीन रहता है, इसके ऊपर कुछ भी डस्ट वगैरह आए तो आप इजी टू क्लीन कर सकते हैं।
उसके साथ बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लग्जरी सीट कवर्स लगाए गए हैं, जिसकी फिटिंग देखो भाई कितनी अच्छी निकल के आ रही है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं रिंकल आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, पाइपिंग वगैरह देख लीजिए बढ़िया तरीके से रहने वाली है, और साथ में डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम है। ठीक है भाई, डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम है, थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलती है थाई के पास, और उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे चेन सिस्टम प्रोवाइड किया, पीछे आप चेक कर लीजिए कुछ इस तरीके से आपको फिटमेंट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात कर ले इसमें और क्या कुछ आप अपग्रेड करवा सकते हैं और क्या कुछ इसमें किया गया है, तो ये देख लीजिए भाई यहाँ पे आर्मरेस्ट भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो कि प्रॉपर मारुति जेन्युइन रहने वाला है। तो भाई वो बेसिकली गाड़ी के इंटीरियर में तो यही कुछ किया गया था। एक लास्ट चीज़ रह गई है जो कि हमारे यहाँ पे सनग्लास होल्डर की फिटिंग है। तो देखो भाई सनग्लास होल्डर लगाया गया है, चेक कर लीजिए प्रॉपर जेन्युइन पीस है हमारा, और इसकी कटिंग देखिए कितनी बढ़िया तरीके से करी गई है, गैपिंग वगैरह आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, कोई गैपिंग की इशू नहीं है। साथ में इसके अंदर जो LEDs आती है ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री दी है, बाकी हेलोजन बल्ब के साथ आता है इसकी, देख लो यहाँ पे आप अपने प्रीमियम सनग्लासेस भी रख सकते हैं। तो बेसिकली गाड़ी में तो यही कुछ हुआ था। अब चलते एक बार कस्टमर के पास, लेते हैं उनसे रिव्यू, पूछते हैं उनको यहाँ पे काम कैसा लगा। तो मिलिए भाई वो कार के ओनर से, सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम सनी चौहान। कहाँ से आए हो? हम आए नोएडा से। सर नोएडा से आप करोलबाग आए हो बिट्टू भैया के पास, आपको पता कहाँ से चला गया यहाँ के बारे में? हमने यूट्यूब पे देखा था इनके बारे में जी, काफी अच्छी मतलब काम करते हैं जी, बारे में सुना था तो हमने कहा चलो उधर ही चलते हैं जी। लेकिन यहाँ आके देखा काफी अच्छा काम होता है जी, और हम सुबह से देख रहे हैं कम से कम 10 से 12 गाड़ी आ चुकी हैं, 10 से 12 आके आ गई है, आ चुकी हैं, अभी काम चल रहा है, हमारा अभी हुआ है काम, हो चुका है बाकी जी। ठीक है, काम एकदम अच्छा है उनका जेन्युइन है। तो सर जैसे कि आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा काम वगैरह, बाकी प्राइसिंग देखी होगी आपने, तो सेम वैसी आपको प्राइसिंग देखने को मिल रही है या कुछ डिफरेंट है यहाँ पे आके? नहीं, सेम प्राइसिंग है। सेम प्राइसिंग है, ऐसा तो नहीं सर कहीं कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए वीडियोस में कुछ और बताते हैं आपको यहाँ पे कुछ और मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है? बाकी सर आपने जो इतने अच्छे सीट कवर्स लगाए हैं आप कैसे लग रहे हैं पहले के मुताबिक? बहुत बढ़िया, कम्फर्ट है, कम्फर्ट है जी, और अच्छा है जी, फील ठीक है, इस पे बैठते थोड़ा अच्छा लग रहा है जी पहले से। बाकी प्राइसिंग वगैरह कैसी लगी आपको? प्राइसिंग ठीक है, प्राइसिंग अच्छी है। और ये जो सारा काम हुआ है सर आपके आंखों के सामने ही हुआ है जी, सामने कोई आपने कटिंग वगैरह देखी है वायर की? वायर की कोई वायरिंग कटिंग नहीं हुई जी, जो भी है सामने हमने करवाया जी जी। बाकी सर एक छोटी सी फिर रेटिंग लेना चाहूंगा, 10 में से क्या रेटिंग देना चाहोगे आप इस काम को? 10 में से 8। बाकी सर आपने जो 2 नंबर डिटेक्ट किया है उसका भी एक बार रीजन बता दीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सके आगे। वैसे थोड़ा सा मतलब काम थोड़ा सा वैसा लेट है, बाकी लेट है तो इसका मतलब थोड़ा सा अच्छा ही किया उन्होंने जी, और कुछ नहीं है बाकी, यानी थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया आपका, टाइम का इशू है और कुछ नहीं जी, बाकी बेस्ट ठीक है जी, बाकी कोई दिक्कत परेशानी काम से? तो सर जैसे कि आप भी YouTube वगैरह से देख के आए हो, आपको भी लोग YouTube पे देख रहे होंगे, उनके लिए कोई मैसेज वगैरह रहना चाहेगा? बस यही है कि आप लोग आइए अपनी गाड़ी को यहीं पे कराइए, जो भी है मॉडिफाई कराइए, बहुत अच्छा करते हैं ये लोग जी, यही आइए जी, यानी फुली सेटिस्फाई होगी जी। शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए, हमारे पर ट्रस्ट करके आने के लिए।